बसमिल जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एम आर बी दीनी मालूम यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं इसमें हर हफ़्ता आप लोगों के जो सवाल आते हैं उनके जवाब देने की कोशिश की जाती है जिसका नाम इस्लामिक बयान और इसी तरह इसका दूसरा नाम कुछ मसाइल भी रखा गया है ये जो है पार्ट नंबर आठ है यानी इस्लामिक बयान पार्ट नंबर आठ या फिर कुछ मसाइल पार नंबर आठ के नाम से आप इस वीडियो को सर्च करके यूटूब पे देख सकते हैं इस मरतबा भी मैं अपनी तरफ से कुछ बयान नहीं कर पाऊँगा क्योंकि आप लोगों के सवाल बहुत ज़्यादा हैं तकरीबन तीस पैंतीस सवाल हैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा और मौलाना अजहर साहब वो भी हाज़िर हैं वो सवाल करेंगे जो हज़रत का ख़ुद भी एक चैनल चलता है आ, एम एू बी दीनी मालूमत के नाम से उसको भी आप जाकर वहाँ पर भी देख सकते हैं बहुत सारे मसाइल मिलेंगे और इना इस चैनल से एम एू बी और एम एर बी दोनों चैनल से इनशाला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इखलास के साथ हमें काम करने की तोफ़ी कता फ़रमाए अब हज़रत सवाल करेंगे मैं इन श्रा मुख्तसर अलफाज़ में जवाब देने की कोशिश करूँगा और इतना याद रखें जो सवाल बहुत ज़्यादा तफसील तलब हैं मैं उसका यहाँ जवाब नहीं दूँगा उसके साथ साथ कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए हैं जिनमें सवालत ज़्यादा वाजह नहीं हैं समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पूछना चाह रहे हैं उसको भी हम लोग छोड़ देंगे उसका भी जवाब नहीं देंगे और जिन हजरात को जवाब नहीं मिल पा रहा है जो कमेंट्स करते हैं कि मेरा जवाब नहीं मिला उनसे दरख्वास्त है कि अगर आपको फ़ौर जवाब की ज़रूरत है तो डायरेक्ट कॉल करके भी रबता आप कर सकते हैं अगर फ़्री रहा तो इन ज़रूर बात हो पाएगी अब हज़रत सवाल करेंगे मैं इनशाला मुख्तर अल्फा में जवाब दूँगा बस्मिल्लाहमर रही फ़ेमुद्दीन साहब का सवाल है कि वो कहते हैं कि जिस गांव में वो रहते थे पहले वो उस गाँव में जुमा की नमाज़ नहीं होती थी अब उस गाँव में घर में जुमा की नमाज़ पढ़ना चाहते हैं चंद आदमी मिलकर तो क्या हुआ जुमा की नमाज़ पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते हैं देखिए जुमे की शराइ जहाँ नहीं पाई जा रही हैं जैसे गांव है देहात है वहाँ पर जुमे की शराइत नहीं पाई जा रही है लिहाजा वहाँ पर जुमे की नमाज़ होगी ही नहीं अगर कोई जुमे की नमाज़ पढ़ ले तो नमाज ही उसकी नहीं होगी इसीलिए अगर आप ऐसी जगह हैं जहाँ पर जुमे की शराइ नहीं पाई जा रही हैं तो आप वहाँ पर जोहर की नमाज़ पढ़ेंगे वो भी बाजमात पढ़ेंगे ठीक है क्योंकि उसको जो है वहाँ आपके लिए जुमे की नमाज़ है ही नहीं और जहाँ जुमे की नमाज़ है वहाँ पर जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे अगर इतने अफराद घर में मौजूद हैं वरना जैसे आप बता रहे हैं इस सूरत में सिर्फ़ और सिर्फ ज़हर की नमाज़ पढ़िए वहाँ पर जुमे की नमाज़ मत पढ़िए अजीज़ुल्लह भाई कहते हैं कि एक आदमी है जो मुसाफिर है और दूसरा आदमी जो इमाम है वो मुकीम है तो मुसाफिर जो इम मुम के पीछे नमाज़ पढ़ेगा तो उसकी मुसाफिर की दो रकत छूट गई है तो अब वो नमाज किस तरह पूरी करेगा देखिए अगर वो एक रकात भी पा लेता है या सिर्फ अत्यात में भी शामिल हो जाता है जो मुसाफिर था मुकीम के पीछे तो इस सूरत में जो बकिया रकात छूट गई है वो मुसाफिर होने के अतबार से अदा नहीं करेगा बल्कि वो मुकीम के एतबार से क्योंकि जिसकी इब्तः कर रहा है वहाँ उसको देखेंगे इस एतबार से अगर वो चार रकात वाली नमाज थी दो रकात इसकी छूट गई थी और ये मुसाफिर था इस सूरत में इमाम के सलाम फिरने के बाद ये दो रकात और पड़ेगा चाहे चार रकात हो जाए तब भी दो रकात और पड़ेगा यानी ये समझना कि मैं मुसाफिर था तो मुझे दो रकात मिल गई मैं अब नहीं पढ़ूंगा ये गलत है सही बात यह है कि अगर जैसे मिसाल के तौर पर आपकी तीन रकात छूट गई है इमाम साहब के साथ और आप जो है मुसाफिर थे इमाम साहब मुकीम थे अब इस सूरत में आप जो इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद नमाज़ पढ़ेंगे आप तीन रकात नमाज़ पढ़ेंगे ऐसा नहीं है कि आप दो रकात नमाज़ पढ़ के जो है एक रकात और नमाज़ पढ़ेंगे दो रकात हो जाएगी सलाम फेर देंगे ऐसा नहीं करेंगे यानी ये कहना चाहता हूँ आप मुसाफिर होने के अतबार से नमाज़ नहीं पढ़ेंगे वहाँ पर मुकम्मल नमाज़ पढ़ेंगे इब्राहिम भाई का सवाल है कि जुमा के दिन खुतबा शुरू हो चुकी है अब उसके बाद वो सुन्नत पढ़ना चाहते हैं तो क्या उस वक्त सुन्नत पढ़ेंगे या किस वक्त सुन्नत पढ़ना है फिर देखिए अगर आप पहले से सुन्नत नमाज पढ़ रहे थे और खुतबा शुरू हो गया तो ये मसला बिल्कुल अलग है ये ज़रा तफसील है इसलिए इसको छोड़ रहा हूँ लेकिन अगर खुतबा शुरू हो चुका है उसके बाद आप नमाज़ शुरू कर रहे हैं सुन्नत नमाज तो बिल्कुल शुरू नहीं करें सख्त मकरू है मकरू तहरीमी के दर्जे में है नाजायज़ है जायज़ नहीं है ऐसी सूरत में ऐसी सूरत में आप उस सुन्नत को छोड़ दें जुमे की नमाज़ के बाद पढ़ें फहमुद्दीन भाई का सवाल है वो कहते हैं कि जो शख्स ईसा की नमाज जमात से ना पढ़े हो वो रमज़ान में उतरी की नमाज़ जमात से पढ़ सकता है या नहीं बिल्कुल पढ़ सकता है वितर के नमाज उस वक्त उस आदमी के लिए बिलाकराहत जमात से पढ़ना चाहिए जैसे रमज़ान में होता है कभी ऐसे फ़र्ज नमाज जमात से छूट जाती है कुछ आदमी आते हैं तरावी में शामिल हो जाते हैं और फ़र्ज नमाज ये भी मसला याद रखिए फ़र्ज़ नमाज पढ़े बग़ैर तरावी की नमाज़ होगी ही नहीं इसलिए पहले वो फ़र्ज़ नमाज तनह तना पढ़ लें जमात हो चुकी है उसके बाद तरावी में शामिल हो जाएं उसके बाद जो रहा ये मसला कि वितर की नमाज़ जो है उसमें जमात से शामिल होंगे या नहीं क्योंकि फ़र्ज नमाज जो है जमात से नहीं पढ़े थे बिल्कुल शामिल हो सकते हैं कोई हरज नहीं कोई कबाहत नहीं आदिल भाई का सवाल है कि रोज़े के, के हालत में अगर कान में पानी घुस जाए तो क्या रोज़ा ख़त्म हो जाएगा या रोज़ा अभी तक बाकी रहेगा अगर पानी चला जाता है कान में तो इससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पानी के बारे में उसके अलावा जहाँ तक तेल की बात है दवाई की बात है इसका मसला यह अलग है इससे रोज़ा टूट जाएगा लेकिन पानी अगर है खालिश पानी है इससे रोज़ा नहीं टूटेगा अवरा भाई का सवाल है कि वज़ू करने के बाद किसी ने अगर शीशा या आईना देख लिया तो क्या उससे रोज वज़ू टूट जाएगा या वजू अभी तक बाकी रहेगा शीशा देखने से यानी आईना देखने से वजू नहीं टूटता है वजू टूटता है हदस से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे टेक लगा कर सो जाने से वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन उनमें से आईना देखना ये शामिल नहीं है उसमें इसीलिए लिए ये कहना चाहता हूँ बहुत इसमें गलती होती है आम तौर पर लोग गलती कर जाते हैं वो समझते हैं कि भाई शीशा देख लेंगे तो हमारा वज़ू टूट जाएगा गलत बात है ऐसी कोई बात नहीं है यानी शीशा देखने से आईना देखने से वजू नहीं टूटेगा अनस मलिक का सवाल है कि नमाज जनाजा पढ़ने के लिए चप्पल को खोलना ज़रूरी है या चप्पल पहन के पढ़ सकते हैं नमाज़ देखिए जहाँ तक बेहतर होने की बात है अफजल होने की बात है अगर कोई कीचड़ वगैरह नहीं है बस ज़मीन है तो इस सूरत में आप चप्पल या जूता उतार दें फिर नमाज़ जनाजा पढ़ें यही इसी पे अमल होना चाहिए लेकिन अगर कहीं पर कीचड़ है मतलब गंदगी मिसाल के तौर पर कहीं पर पानी है या फिर कहीं पर बारिश वगैरह हो गई थी वहाँ आप डायरेक्ट खड़े नहीं हो पा रहे हैं इसलिए आपको दिक्कत हो रही है जगह ख़राब है नापाक तो नहीं है लेकिन ख़राब है अब इस सूरत में अगर आप चाहेंगे जूता चप्पल पहन के नमाज पढ़ने के लिए तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा आपका जो है जूता या जो चप्पल आपकी है यह नापाक है या पाक है अगर नापाक है तो फिर मसला बहुत अलग होगा बहुत तफसील है उसमें डायरेक्ट मुझसे कॉल पे बात करें मैं इन शह तफसील से आपको बताऊंगा लेकिन अगर वो जूता या चप्पल बिल्कुल पाक है पाक कैसे है उसके लिए आप ऐसा करें कि कहीं पर ट्यूबवेल वगैरह है या पानी वगैरह का इंतजाम है चप्पल वहाँ को या जूते को अच्छी तरह से धो लें पाक हो जाएगा आपको भी यकीन हो जाएगा कोई शक वगैरह नहीं रहेगा फिर उसके बाद आप उसको पहन के भी नमाज़ पढ़ें कब जब वहाँ कहीं कीचड़ वगैरह हो अगर जगह साफ़ है तो वो फिर मसला मैं बता चुका हूँ आपको क्या करना है क्लिक उनका सवाल है कि औरत अगर फ़र्ज गसल हो गया है तो क्या फ़र्ज गसल करने से पहले इस करना ज़रूरी है या नहीं बिल्कुल ज़रूरी नहीं है और लेकिन बेहतर है क्योंकि इसमें बहुत सारी तफसीत हैं मुनासर यही है कि पहले इसतंजा करें फिर उसके बाद आप गसल करें ये बेहतर है लेकिन ज़रूरी नहीं है अगर कोई क्योंकि ज़रूरी तीन चीज़ें हैं एक है कुल्ली करना अच्छी तरह से नाक में पानी डालना अच्छी तरह से और पूरे जिस्म पे पानी बहाना अच्छी तरह से एक बाल बराबर भी कोई जगह खुश्क नहीं रहे सूखी जगह न रहे तो आपका गसल हो जाएगा अगर ये तीन काम कर लेंगे इससे ये पता चला कि अगर आप उसको जो है इसतंजा करने को ज़रूरी करार देंगे तो फिर ये चार चीज़ें हो जाएंगी जबकि चार चीज़ें नहीं ये तीन ही चीज़ें हैं लेकिन बेहतर क्या है वो मैं बता चुका हूँ बेहतर यह है कि आप जो है ज़रूर और इसतनजा कर लिया करें जब हैज़ या निफास से पांकी हासिल करें जिनाबत से पाखी हासिल करें यह मुनासिब है इसके बारे में, में मेरी मुस्तकिल वीडियो है गसल करने का तरीक़ा क्या है आप उसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं गसल करने का तरीक़ा बाय बायम ए आर बी मेरे चैनल का नाम मार दीजिए वीडियो आ जाएगी देख सकते हैं अनस भाई का सवाल है कि चूड़ी पहन के नमाज़ पढ़ सकते हैं बिल्कुल जायज़ है कोई हर्ज नहीं असल में यहाँ धोखा इसलिए लगता है कि चूड़ी जब आदमी औरत पहनती है तो कभी कभी जब झंझन से आवाज़ आती है उससे उठने बैठते वक्त ये समझ रहे हैं कि उससे नमाज़ नहीं होगी नमाज़ टूट जाएगी ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन मोहम्मद भाई का सवाल है कि किडनी ख़राब हो चुकी है अब क्या वो रोज़ा रखेंगे या रोज़ा उनके लिए माफ़ हो जाएगा सही बात तो यह है कि ये मसला जो है डॉक्टरी एतबार से देखना पड़ेगा डॉक्टरों से रबता करें जो माहिर डॉक्टर हैं ऐसे सड़क सड़क छाप जो डॉक्टर मिलते हैं वो नहीं है जो माहिर डॉक्टर हैं वाक़ता सही जानकारी रखते हैं उनसे रहा करें अगर वो बताएंगे कि जो इस किडनी की बीमारी की वजह से अगर रोज़ा रखेंगे तो नुकसान है जान को ख़तरा है वो रोज़ा रखने से मना करें तो फिर आप रोज़ा न रखें बिल्कुल छूट है उसके लिए फिर फिदा फिदिया वगैरह या कज़ा वगैरह एक अलग मसला है वो अलग बात है उसको अभी यहाँ नहीं बता रहा हूँ और अगर डॉक्टर कहते हैं कि कोई नुकसान नहीं आप रोज़ा रख सकते हैं तो फिर रोज़ा रखना आपके लिए ज़रूरी होगा जुनेशा का सवाल है कि कज़ा हजरत करने को वक्त किबला रुख होता है और ये बहुत मजबूरी है तो इस सूरत में क्या करेगी वो देखिए ऐसी सूरत में जब आप अपना मकान है खुद किसी आप अपने मकान में रह रहे हैं आप उसके ज़िम्मेदार हैं यानी आप उसके मालिक हैं तो ऐसी सूरत में उसे तोड़ दें क्योंकि सख्त मकरू है मकरू है तहरीमी है इस्तिंजा के वक्त पेशाब पैखाने के वक्त किबले की तरफ रुख करना या किबले की तरफ पीट करना सख्त मकरू है जायज़ नहीं है गुनाह भी मिलेगा उसको तोड़ दें अगर अपना मकान है और अगर अपना मकान नहीं है आप किराए पर रह रहे हैं मजबूरी है सख्त मजबूरी और कोई रास्ता नहीं है कोई रास्ता नहीं है तो ऐसी सूरत में बस ना दिले खा, खास्ता यानी दिल के न चाहते हुए बस मजबूरी में आप कज़ाए हाजत इस तरह करें और जितने जल्द से जल्द हो सके फारिग होने की कोशिश करें यूट्यूब भाई का सवाल है कि जैसे गुसल करते आदमी झरने में पानी जो फौवा पानी आता रहता है तो उसमें वो गुसल करते हैं और वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी बह जाता है तो हमको अफसोस इस बात पर और अफसोस के बाद वो तोबा करते हैं और कहते हैं कि मैं इस तरह गुसल कर चुका हूँ तो क्या मेरा गुसल हो गया या नहीं हुआ अभी तक देखिए ज़्यादा पानी खर्च करना नाजायज़ है गुनाह मिलेगा इसलिए तौबा कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है और तौबा कहते हैं आइंदा ऐसी गलती नहीं है उस पर भी पक्का इरादा करना यह है तौबा तो इस सूरत में आप अगर तौबा कर लिए हैं तो इन उम्मीद यही है कि आपके गुनाह भी माफ़ हो गए होंगे रहा यह मसला कि गसल हुआ या नहीं गुसल से इसका ताल्लुक़ नहीं ज़्यादा पानी खर्च करेंगे जानबूझकर गुनहगार होंगे लेकिन गुसल आपका हो जाएगा गुसल के होने न होने से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं लिहाजा मसला ही है आपका गुसल यकीनन हो गया बिलाशक सुबह आपका गुसल हो गया सरकार का सवाल है कि हैज या निफास के हालत में कुरान मुक़दस को पढ़ना या छूना कैसा है देखिए इसमें ज़रा तफसील है दो मसला है एक है पढ़ने के बारे में पढ़ना तो बिल्कुल नाजायज़ है हराम है हराम हैज़ निफास के हालत में जायज़ ही नहीं है पढ़ना लेकिन कुरान की आयतें तिलावत की नीयत से जब पढ़ेंगे तब ये मसला है अगर तिलावत की नीयत से नहीं पढ़ेंगे कुरान की आयतें जहाँ दुआएँ अल्फाज जैसे रबना आतीना है या कुछ और शुरे दुआ के तौर पर बतौर के अगर कोई पढ़ रहा है तो उसका पढ़ना जायज़ है के तिलावत की नीयत से बिल्कुल हराम पढ़ने के बारे में रहा रही ये बात छूने के बारे में छूना अगर डायरेक्ट छू रहा और है औरत अगर छू रही है डायरेक्ट छू रही है बगैर किसी हायल के तो फिर बिल्कुल नाजायज़ और हराम है नहीं छू सकती लेकिन हाँ अगर किसी कपड़े वगैरह से कपड़ा वगैरह है कपड़े के जरिए उसको पकड़ के उठा रही है अब उस इस हालत में कपड़े के साथ अगर पकड़ के उठाएगी तो यह जायज़ है लेकिन यहाँ भी ज़रा तफसील है कपड़ा उसके जिस्म को ओढ़नी वगैरह है उसी ओढ़नी को ओढ़ी हुई है या जिस्म का कोई कपड़ा है उसी को लेकर पकड़ के उठा रही है ये नाजायज़ है कपड़ा अलग से होना चाहिए यानी उसके जिस्म पे लगा हुआ नहीं होना चाहिए हाँ अगर लगा हुआ था कपड़ा उसको उतार दी है मसला ज़रा समझिए कपड़ा लगा हुआ था जिसम पे ओढ़नी ओढ़ी हुई थी उसको उतार दी फिर उसके उसी ओढ़ने से पकड़ के ले रही है ये भी जायज़ है यानी मसला यह है कि कपड़ा उस हालत में जब वो पहनी हुई है उसी पहने हुए कपड़े से अगर वो कुरान पकड़ के उठाएगी तो ये भी नाजायज़ होगा लेकिन अगर अलग से कोई कपड़ा है उसको पकड़ के उठा रही है कुरान को छू रही है तो ये बिला कराहत जायज़ है कोई हरज नहीं अपना मीडिया उनका सवाल है कि मस्जिद में इमाम साहब तना है तो क्या वो एक और अजन से नमाज पढ़ सकते हैं देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि इमाम साहब अजान दे के इंतज़ार करते हैं एक भी मुक्तदी नहीं आए ऐसा होता है बहुत होता है जहाँ पर ज़्यादातर लोग नमाजी नहीं होते हैं वहाँ पर ऐसा होता है ऐसी सूरत में इमाम साहब अजान दे चुके हैं इंतज़ार कर लें कुछ और देर पाँच दस मिनट और इंतज़ार कर लें अगर कोई नहीं आया ये अकामत कह के नमाज़ पढ़ें अगर ये जानबूझ कर ब़ैर अकामत के ऐसी सूरत में नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर मकरू है अकामत का छोड़ना इसीलिए ज़रूर से ज़रूर अकामत कह दिया करें कोई भी नहीं हो अकेले हैं तब भी लोग ये समझ रहे हैं कि भाई जो इमाम है वो अकामत कह नहीं सकता ये गलत सोच है गलत मसला है सही मसला ये है कि इमाम भी अकामत कह सकता है कोई हरज नहीं इसीलिए इमाम साहब इंतज़ार करें अगर कोई नए आए ये अकामत कहें और फिर अपनी नमाज शुरू कर दें अगर कोई आ जाता है वो शामिल हो जाएगा कोई बात नहीं है जहांगीर भाई का सवाल है कि बदन से अगर कपड़ा खुल जाए तो क्या वजू टूट जाता है इसके बारे में मेरी मुस्तकिल वीडियो है यूट्यूब पे उसमें मैंने बताया है मसला यही है कि जिसम के खुल जाने से कपड़े के उतर जाने से पूरे जिसम से कपड़ा निकल गया एक भी कपड़ा नहीं यानी नंगा हो गया उससे वजू नहीं टूटेगा वज़ू जिन चीज़ों से टूटता है उनमें ये दाखिल नहीं है यानी सत्र के खुल जाने से वजू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ठीक है तबरेज आलम भाई का सवाल है कि वो कहते हैं कि बाल काटने वाला दाढ़ी काटने वाला जो नाई है उनका कमाई कैसे हलाल है या हराम है और इसलिए कहते हैं कि किन किन लोगों का इनकाम करना काम करना हलाल है और किन का नाज़ हराम है देखिए ये जो दूसरा सवाल था आख़िर वाला ये बहुत तफसीली है किताबों में मौजूद है जो पहला सवाल था आ, मैंने उसको देखा भी है जैसे कि फतावा हु महमूदिया में देखा है उसके साथ साथ नवाज़िल में देखा है ये दोनों किताबों में ये मसला साफ तौर पर लिखा है अगर नाई जो है नाई की कमाई का हुक्म उसमें लिखा है नाई सिर्फ़ और सिर्फ मोछे कतरोता है बनाता है बाल बनाता है सर के तो उसकी कमाई बिल्कुल हलाल बिला करात मकरूह तनजीही भी नहीं है लेकिन अगर वह दाढ़ी बनाना शुरू कर देता है दाढ़ी काटना शुरू कर देता है एक मुश्त से कम वो इतना काटता है अगर दाढ़ी इस तरह काटता है कि एक मुश्त पकड़ लेने के बाद एक मुश्त से जायद बाल है उसको काटता है तब भी हलाल है कोई हर्ज नहीं लेकिन अगर एक मुश्त से कम कर देता है दाढ़ी बिल्कुल साफ़ कर देता है सपाचट कर देता है काट के अब इस सूरत में उसकी कमाई हराम तो नहीं होगी लेकिन मकरू जरूर है सख्त मकरू है और मकरू पैसे के इस्तेमाल से मकरू चीज़ों के इस्तेमाल से इबादत करने की तोफ़ी छीन जाती है इसीलिए इससे भी जरूर से जरूर बचा करें नफीस रोजी का सवाल है कि नंगा होकर गुसल करने से क्या गुसल होगा या नहीं देखिए पहली बात तो यह है कि किन हालतों में यानी किन जगहों पर नंगे होकर गसल करना जायज़ है और कहाँ नाजायज़ एक अलग मसला है इसके बारे में आप यूट्यूब पर सर्च कर सर्च करके देख सकते हैं नंगे होकर गसल करना कैसा है बाय यम ए आर बी मेरे चैनल का नाम मार दीजिए वीडियो आ जाएगी कि मुस्तकिल तफसील के साथ है वीडियो दो वीडियो है मेरी आप उसको देख सकते हैं जहाँ तक आपका जो सवाल है गसल होगा या नहीं गसल बिल्कुल हो जाएगा एम डी अफजल का सवाल है कि गसल करते वक्त जो पानी के जो ज़र्रात है छिटे जो बाल्टी में पड़ गिरते हैं और इसी तरह वज़ू करते वक्त या गसल करते वक्त जो ज़र्रात गिरते हैं तो क्या इसके गिरने से आ, पानी नापाक हो जाता है या नहीं होगा इससे इससे जो है पानी नापाक नहीं होता है लेकिन हाँ अगर आपके जिसम पे कहीं पर बिल्कुल निजासत लगी हुई थी पे नापाकी पे पानी लगता है फिर वही पानी जो है छीट मार के जो है किसी बाल्टी पे या लोटे वगैरह पे गिरता है वो फिर पानी नापाक हो जाता है जो बाल्टी का पानी होता है या लोटे का पानी होता है बधना जिसको आप कहते हैं तो इससे जो है पानी नापाक हो जाएगा लेकिन अगर सिर्फ़ महज जिसम पे कपड़े पे या जिस्म पे पानी गिरा आप गसल कर रहे थे जिस्म पे पानी लगा वो पानी बदन पे जो है गिर जो है बदन बदन से लग के जिस्म से लग के आपके बाल्टी पे गिर गया या वज़ू कर रहे थे वज वज़ू की जो छींटे हैं हाथ वगैरह की छींटे वो जो है आपके लोटे पे बदने पे गिर गई वो छींटे इससे पानी नापाक नहीं होता है बिल्कुल पाक रहता है उस पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कोई हरज नहीं मोहम्मद भाई का सवाल है असल वरहमल् वर्का वालेकाम वरहल्ला वो कहते हैं कि कपड़ा नापाक हो चुका है और धोने के बाद उसके जो धब्बे हैं दाग है वो बाकी है तो क्या अब वो कपड़ा पाक शुमार होगा या वो नापाक ही माना जाएगा देखिए ये ऐसा होता है जैसे आप कह रहे हैं ना जैसे मिसाल के तौर पे खून लग गया कहीं किसी जिसम कपड़े पे जो है खून लग जाता है आप उसको फ़ौर धो देते हैं तो छूट जाता है लेकिन कुछ देर के बाद अगर धोएंगे देखेंगे जितनी मरतबा धो लें फिर भी उसमें जो दाग है जो धब्बा है वो नहीं जाता है तो इसीलिए मसला याद रखिएगा कि अगर आप उस कपड़े को अच्छी तरह से धो चुके हैं उस जगह को अच्छी तरह से साबुन वगैरह से लगाकर अच्छी तरह साफ कर चुके हैं जितनी कोशिशें आप कर चुके हैं उसके बाद भी वो धब्बा रह गया अब वो कपड़ा पाक है यानी धब्बे के रह जाने से वो कपड़ा नापाक नहीं होगा लेकिन हाँ अगर आप ऐसी मामूली से धोती हैं फिर धब्बा रह गया है उससे जो है वो कपड़ा नापाक रहेगा अच्छी तरह से जब धो लेंगे उसके बाद धब्बा रह जाता है तो उस धब्बे का कोई एतबार नहीं है लिहाजा आपका कपड़ा बिल्कुल पाक है अबराड़ भाई कहना है कि गुसल करने के बाद अब उनका नज़र शीशे पर पड़ गया या इसी तरह टीवी देख लिए तो क्या इससे उनका वज़ू ख़त्म हो जाएगा और कहते कि नमाज इसे पढ़ना दुरुस्त है या नहीं है देखिए जो आपने मसला पूछा है इस सूरत में पहली बात तो यह है कि शीशे को देख लेने से वज़ू नहीं टूटेगा ठीक है और रही ये बात कि नमाज जहाँ तक पढ़ेंगे नमाज का क्या मसला होगा अगर आपके सामने शीशा है आईना है और आप नमाज़ पढ़ रहे हैं ध्यान आपकी जो है इधर उधर हो रही है शीशे की तरफ़ देख रहे हैं चेहरा देख रहे हैं पीछे कौन आ रहा है शीशे से देख रहे हैं एक तरीके से आपको परेशानी हो रही है उलझन पैदा हो रही है इससे तो फिर ये मकरू के दर्जे में हो जाएगी लेकिन अगर कोई उलझन नहीं है बस सामने मौजूद है लेकिन आपकी निगाह जो है आपकी नजर जो है वो सजदे की जगह पर है आप इधर उधर देखते नहीं हैं सामने शीशा है उसके बावजूद आपकी नमाज में कोई ख़राबी नहीं है यानी ये समझना जैसे तस्वीर है अगर तस्वीर सामने हो तो नमाज मकरू होती है लेकिन आप ये समझ रहे हैं आपको धोखा इसलिए लग रहा है आप ये समझ रहे हैं कि इसी तरह जब मेरी तस्वीर जो है आईने के जरिए शीशा के जरिए सामने होगी तो फिर मेरी नमाज मकरू हो जाएगी ऐसी कोई बात नहीं है शीशे में किसी की तस्वीर नज़र आ जाने से यानी कोई आदमी खड़ा हो जाने से उसकी जो उसका जो अस्क न, अक्स नज़र आता है जो उसकी परछाई नज़र आती है उससे नमाज में कोई कराहत नहीं होगी दूसरी बात यह है कि जहाँ तक टी की बात है टी अगर बंद है ऑफ़ है चल नहीं रही है आप वहाँ पर नमाज़ पढ़ेंगे बिला कराहत आपकी नमाज़ हो जाएगी अगर टीवी चालू हो फिर आप नमाज़ पढ़ें तो फिर मकरू है मोबाइल भाई का सवाल है वो कहते हैं कि रात के वक्त नाखून काटना कैसा है रात के वक्त नाखून काटना इस दौर में कोई हर्ज नहीं क्योंकि इसमें ज़रा तफसील है ज़रा सोचने समझने की बात है पहले ज़माने में ऐसा होता था कि लाइट वगैरह का सही से इंतज़ाम नहीं होता था अब क्या करते थे नाखून काटते काटते कभी कुछ और भी ना नाखून से अलावा जो है गोश्त वगैरह भी काट दिए इससे नुकसान होता था इसलिए ओलमा कहते थे रात में न काटें भाई क्योंकि अंधेरा रहता था अंधेरी रात होती थी नुकसान होता था मना किया जाता था लेकिन आज के दौर में ऐसा है कि रात में नाखून काटने में कोई ख़तरा नहीं जिस तरह दिन में आदमी को नज़र आता है ऐसे ही रात में भी हर हर मतलब सामान उसको नजर आने लगता है इसलिए रात में भी आज के दौर में नाखून काटना बिला कराहत मकरूह तनजी भी नहीं है बिल्कुल जायज़ है कोई हर्ज नहीं अलिन का सवाल है कि दो चार घर वाले मिलकर एक साथ जुमा का नमाज़ पढ़ सकते हैं देखिए पहली बात तो यह है कि जो अभी लॉकडाउन का मामला चल रहा है उसी एतबार से मसला बता रहा हूँ अगर आम एतबार से आम हालत में जब लॉकडाउन वगैरह न हो कोई हर जनिए मस्जिद जा नमाज़ पढ़ सकते हैं उसके बावजूद अगर आप घर में जुमे की नमाज़ करेंगे तो सख्त मकरू है नाजायज के दर्जे में रखता हूँ मैं इसको सीधा सीधा मना करता हूँ कि भाई जुमे की नमाज़ जो है आप घर पर नहीं कर सकते लेकिन जो अभी की हालत है मौजूदा हालत है इस सूरत में अगर इतने अफराद घर में हैं जो इमाम के अलावा कम से कम तीन मुख्ती हूँ इमाम को मिलाकर चार तो आप जुमे की नमाज़ कर सकते हैं खुतबे के साथ क्योंकि ये भी शरात जो जमात की शरात हैं जैसे शहर है या और भी बहुत सारी चीज़ें देहात वगैरह में जुमे की नमाज है ही नहीं तो ये अर्ज़ करने का मकसद था जुमे की शराइ के साथ अगर आप जुमे की नमाज़ पढ़ लेंगे तो नमाज तो हो जाएगी आपकी कोई बात नहीं जुमे की नमाज़ लेकिन ज़रा इसमें बात ये समझिए अगर साइड वाले घर वालों को चार पाँच घर वालों को बुला के एक जगह जमा करेंगे फिर पुलिस आ जाएगी फिर आपको जो है डंडा भी लग सकता है इसीलिए ऐसा ना करें अगर आपके घर में इतने आदमी हैं जिससे जुमे की नमाज़ हो सकती है इतनी शराइत पाई जा रही हैं तो फिर जुमे की नमाज़ पढ़िए साइड वालों को मत बुलाइए क्योंकि फिर वही एक जगह जमा होना जो एक जगह जमे होने के लिए आजकल मना किया जाता है फिर उसी के ख़िलाफ़ है कानून के हकबत ऑफिसल फरमाते हैं कि माशा मुफ्ती आपकी उम्र में बरकत अदा फरमाएँ आमीन आमीन शुक्रिया जजाक अल्लाह खैर अल्लाह ताली आपको भी जो है आपके इल्म में तरक्की अता फरमाए इजाफाता फरमाए और आपको और हमें भी अल्लाह ताला अमल करने वाला बनाए शरीयत का पाबंद बनाए आमीन आमीन सुन ज़िंदगी दो पल की वो सवाल करते हैं क्या दो लोग जुमा की नमाज़ अदा कर सकते हैं क्या दो आदमी अगर हैं जुमे की नमाज़ नहीं होगी भाई क्योंकि जुमे की नमाज़ के लिए इमाम के अलावा कम से कम तीन आदमी का होना ज़रूरी है इमाम को मिलाकर चार आदमी वरना जुमे की नमाज़ नहीं होगी फिर उसमें उसके अलावा और भी शराइ हैं वो एक अलग मसला है लेकिन यहाँ पर जो आप कह रहे हैं दो आदमी मिलकर जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे तो जुमे की नमाज़ नहीं होगी किसी की भी दोनों की नहीं होगी चांदी का सवाल है कि नमाज़ पढ़ते वक्त चेहरा कहाँ रखें जैसे कि क्याम का हालत में हो इसी तरह आपका उसने क्या है कि सजदे की हालत में है तो सजदे वक्त में कहाँ नज़र रखना चाहिए देखिए मैं इसको ज़रा तफसील से आपको बता देता हूँ जब आप खड़े रहेंगे क़याम में रहेंगे तो उस वक्त आपकी नज़र जो है सजदे की जगह पे रहेगी जब आप रुकू में रहेंगे तो आपकी नज़र पैर के जो अंगूठे हैं जो मोटी उंगली है दोनों उंगली पे आपकी नज़र रहेगी जब आप रुकू से खड़े हो जाएंगे फिर सीधे खड़े हो जाएंगे फिर क़्याम की तरफ आ जाएंगे तो उस वक्त जो है आप जब खड़े रहेंगे उस वक्त आपकी नज़र जो है फिर आपकी नज़र वही सजदे की जगह पर पहुँच जाएगी जब आप सजदे को जाएँगे उस वक्त आपके गोद को देखते हुए सजदे को चले जाएं या फिर इसमें क्योंकि बाद दो दो तीन कॉल मुझे मिले हैं दो कॉल मिले हैं असल में आप अपनी गोद को देखते हुए सजदे को जा सकते हैं या सजदे को जगह को देखते हुए सजदे को जाएं कोई बात नहीं है एक तो सजदे में पहुंच जाएंगे जब सजदे में पहुंचेंगे तो आपकी नज़र आपके नाक पर होनी चाहिए और उसके बाद जब आप सजदे से बैठ जाएंगे जो है जलसे में बैठेंगे उस वक्त आपकी नज़र आपकी गोद में होनी चाहिए और इसी तरह दूसरे सजदे में जाएंगे और जब अतियात पढ़ेंगे उस वक्त भी आपकी नज़र आपके गोद में हो या फिर आपकी सजदे की जगह में हो दोनों में से कहीं पर रखिएगा नज़र उसके अलावा जब आप अरदुल्लह कहकर उंगली उठाएंगे उस वक्त आपकी नज़र उंगली पे होनी चाहिए जब वो अरदुल्ला के बाद उंगली गिरा देंगे फिर आपकी नज़र अपनी जगह पर आ जानी चाहिए यासमिन का सवाल है कि वो कहते हैं कि उनका घर गाँव से बहुत दूर में है तो जो नमाज़ पढ़ेंगे तो आज़ान और अकामत के साथ पढ़ें या बगैर आजानत के देखिए अगर घर बहुत ज़्यादा दूर है दो तीन किलोमीटर दूर है अगर आपका घर ऐसी सूरत में आपके गांव में मस्जिद नहीं है नमाज़ नहीं होती है अजान वगैरह नहीं होती है तो जब आप घर में नमाज़ पढ़ेंगे तो आहिस्ता से अजान भी दें अजान अकामत नहीं कह रहा हूँ अजान भी दें और नमाज से पहले अकामत भी कहें यह किसके लिए बता रहा हूँ मर्दों के लिए ये याद रखिए औरतों के लिए अजान अकामत का कोई रब्त नहीं उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है अजान व अकामत का लिहाज़ा अगर औरतें नमाज़ पढ़ेंगी वो तो बगैर अजान मकामत की नमाज़ पढ़ेंगी उनमें कोई सवाल ही नहीं मर्द अगर हैं तो ये मसला जो मैंने अभी बताया है आपको सुल्ताना का सवाल है कि सलात व तोबा का तरीक़ा किस तरह है इसके लिए आप यूट्यूब पर सर्च करिए तोबे की नमाज का तरीक़ा बाए यम ए आर बी मेरे चैनल का नाम मारिए उस पर वीडियो आ जाएगी आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं उसमें मैंने मुस्तिल एक वीडियो बनाकर आपको बताया कि तौबे की नमाज़ कैसे पढ़ेंगे अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं तो ये आपकी गलती है मसला तो मैं बता रहा हूँ साफ साफ एक एक मुस्तकिल वीडियो के साथ बता रहा हूँ आप नहीं देखेंगे तो मैं क्या करूँगा तो इतना याद रखिएगा कि तौबे की जो नमाज़ है बस वही आप नियत करेंगे दिल में इरादा करेंगे कि मैं तोबे की नमाज़ पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ उसके बाद दो रकात नमाज़ पढ़ेंगे अल्लाह अकबर कह के, के नमाज जो है नीयत बांध लेंगे आम तौर पर जिस तरह सूर्य फातहा पढ़ते हैं सूरा पढ़ते हैं वैसे ही कोई मखसूस सूर नहीं है कोई भी सूर आप पढ़ सकते हैं दो रकात नमाज़ पढ़ लीजिएगा उसके बाद बैठ जाइएगा बैठ के अल्लाह से दुआ करिएगा हाथ उठाकर कि या अल्लाह मुझसे जो गलती हो गई है जो मैंने किया है जो मैंने गलती की है जो गुनाह मुझसे हो गया है वो मुझे माफ़ कर दे मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा या करूंगी इसी तरह आप तोबे की नमाज से पहले भी दुआ करके फिर उसके बाद ये नमाज़ भी पढ़ सकते हैं हुसैन का सवाल है कि गुसल करने के बाद अगर किसी ने उनको बरहड़ा देख लिया यानी नंगा देख लिया तो क्या फिर उनको दोबारा वज़ू करना पड़ेगा या बगैर वज़ू की नमाज़ पढ़ सकते हैं वो ऐसी सूरत में पहली बात तो ये समझें जिस्म के खुल जाने से वजू नहीं टूटता है इसी तरह जिसम के देख लेने से रहा यह मसला कि देखना जायज ना जायज़ है नाजायज़ है गुनाह है या नहीं एक अलग बात है ठीक है उसको यहाँ नहीं बता रहा हूँ मैं मैं यहाँ पर महज इतना बता रहा हूँ अगर कोई किसी के जिस्म को देख लेता है नंगा किसी आदमी को देख लेता है तो उस देखने वाले का भी वजू नहीं टूटेगा और जिसका जो है जिस्म देखा गया है उसका भी वजू नहीं टूटेगा लिहाजा अगर इस तरह मसला आपके साथ पेश आया है तो आप अब दोबारा वजू करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपका वजू टूटा ही नहीं है तो आप फ़ौरन जाइए नमाज़ पढ़िए कोई हर्ज नहीं है चांदनी का सवाल है कि उन उनके अबू जो है बहुत ज़्यादा तबियत ख़राब है तो उनके बारे में कुछ अजीफ बताएँ देखिए पहली बात तो है कि क्या बीमारी है नहीं है ये तो डॉक्टर बताएंगे इलाज डॉक्टर करेंगे रही ये बात के इलाज के साथ साथ कुछ इस्लामिक चीज़ें भी आप अपनाइए जैसे दवाई आप जब भी खाएँ दवाई वगैरह को खिलाएँ जब भी इस्तेमाल करें उससे पहले एक मरतबा दुरुशरीफ तीन मरतबा सुर फातहा क्योंकि सुर फातह के बारे में हदीस में आता है कि फ़िहा शिफा उन मिनकुल्ली दा हर बीमारी का इलाज सुर फातहा में मौजूद है इसीलिए आप जो है ऐसा करें एक मरतबा दुरुशरीफ तीन मरतबा सूर फातहा फिर एक मरतबा दुरुशरीफ पढ़ के दवाई पे दम करें या पानी जब भी पिलाएं उस पानी पे दम करें जब भी खाना खिलाएं उस पे दम करें और उसको खिलाएं इन अल्लाह से उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला जो है उन्हें शिफा अता फ़रमाए दुआ भी करता हूं कि अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कुल्ली अता फ़रमाए अल्लाह ताला उन्हें जो है शिफा कामिला अता फ़रमाए आमीन हुसैन भाई का सवाल है कि नमाज़ के वक्त जो सजदा करेंगे तो उस वक्त नाक पहले रखना है या बला सर रखना है देखिए इसके बारे में मैं मुकम्मल तफसील आपको बता देता हूँ जब आप सजदे में जाएंगे सबसे पहले आप अपने दोनों घुटने को रखेंगे घुटना जो आंठू जिसको कहते हैं आम अल्फाज में घुटने को रखेंगे उसके बाद आप अपने हाथ को रखेंगे फिर उसके बाद आप नाक रखेंगे फिर उसके बाद पेशानी रखेंगे इस तरह नीचे से आएंगे ऊपर की तरफ जब आप सजदे से उठेंगे बिल्कुल उसका उल्टा करेंगे पहले पेशानी उठाएंगे फिर नाक उठाएंगे फिर हाथ उठाएंगे फिर आप जो है घुटना उठाएंगे ये इसका मुकम्मल तरीका है ये जो है आम हालत में ऐसे ही होना चाहिए जिसके अंदर इतनी ताकत है वो इसी तरीके से अमल करें यही उसके लिए सुन्नत है आप देख रहे थे एम ए आर बी दीनी मालूम यूट्यूब चैनल है और इसमें आप लोगों के सवालत भी दिए जाती हैं ये पार्ट नंबर सात है इस्लामिक बयान या फिर कुछ मसाइल ये भी जो है इसका नाम रखा गया है कुछ मसाइल पार्ट नंबर सात है इसको सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुँचाएँ ताकि इस वीडियो के ज़रिए बहुत कुछ मसाइल उन लोगों के हल हो जाएंगे अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम को सही मसला समझने की तोफ़ीकता फ़रमाए और ये कह देना चाहूँगा जो मसला आप नहीं समझ पाए हैं क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बताया हूँ वक्त की किल्लत ऐसे ही देख रहे होंगे लंबी वीडियो बन गई है तो वक्त की किल्लत की वजह से मैंने जल्दी जल्दी मसला बताया है अगर आप न समझ पाए हों डायरेक्ट रब्ता करें मुझसे जो है कॉल के जरिए बात करें या अपने मकामी से रबा करें वो इनशाला फिर मसले की वजाहत कर देंगे आपके सामने अल्लाह हमें अमल की तोफी कथा फरमाएर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं मीज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ एड लिख मेरे व्हाट्सएप नंबर एट नाइन जीरो एट नाइन थ्री नाइन थ्री फोर थ्री को मैसेज करें